इंदौर दुनिया का वो एक लौता शहर जहाँ बनती है सबसे ज्यादा सिम। देश का वो पहला शहर जहाँ है IIT और IIM दोनों। मध्य प्रदेश का एक लौता शहर जहाँ की सड़कें हैं सबसे स्वच्छ। और सेंट्रल इंडिया का एक लौता शहर जहाँ पर है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। तो बात बड़ी क्लियर है कि इंदौर शहर में बात फूड की हो, एजुकेशन की हो, मेडिकल या फिर हेल्थ केयर की, इंदौर सब में नंबर वन है। तो मैंने अभी जितनी भी चीजें मेंशन की, IIT, IIM, स्वच्छता या सेहो, इन सब के बारे में तो हम सभी ने सुना ही होगा, पर मैंने एक और चीज मेंशन की थी जो कि है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। और ये शब्द हम इंदौरियों के लिए बेहद नया है और हो गए क्योंकि पहली बार ये फैसिलिटी सिर्फ इंदौर में बल्कि सेंट्रल इंडिया में अवेलेबल हुई है और इस फैसिलिटी को इंदौर में लाया है सहज हॉस्पिटल। तो क्या है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इसके क्या फायदे हैं और आखिर इंदौरियों को इसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो इंदौर, मैं हूं अनस्वी और आप देख रहे हैं इन्फो अनप्लग्ड। तो इस वक्त हमारे साथ सहज हॉस्पिटल से मौजूद है डॉक्टर राहुल। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर टॉक में। सर वैसे मैंने काफी कुछ ऑडियंस को इसके बारे में बता ही दिया है कि आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, पर मैं चाहूंगी हम सीधे आपसे सवाल पूछे कि आखिर ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या है जिसे पहली बार आप सेंट्रल इंडिया में लेकर आए। तो HBOT मतलब हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपर मतलब ज़्यादा और बैरिक मतलब प्रेशर। अभी जो हम सांस ले रहे हैं वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ले रहे हैं और 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं, जैसे हम साइंस क्लास में पढ़ते आए हैं बचपन से। इस मशीन के अंदर हम हायर प्रेशर पर प्योर ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं जिससे उन्हें डिजीजेज में काफ़ी हेल्प मिलती है। सर तो अभी आपने मेंशन किया पेशेंट्स को, तो क्या ये जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल है या उन सभी को रिकमेंड की जाती है या कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए? तो ये एक USFDA अप्रूव्ड है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। जैसे डायबिटिक फुट हो गया, ना भरने वाले घाव हैं, स्किन ग्राफ्ट्स हैं, एम्प्यूटेशन है, अल्सर्स हैं, स्ट्रोक है, पोस्ट कोविड रिकवरी है, कैंसर स्पेशली रेडिएशन के पहले या बाद में, उन लोगों के लिए कहीं कहीं एंटी एजिंग भी साबित हुआ है। ओके, तो बेसिकली अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है इनमें से, अगर वो डायबिटिक नहीं है या फिर उन्हें एम्प्यूटेशन जैसी कोई स्टेज नहीं आई है, उसके अलावा यदि कोई इस थेरेपी को लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है? बिल्कुल, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसके अंदर हम सिर्फ प्योर ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, तो इसके लिए उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसे बहुत लोग हैं, ये पिछले इंडिया में पिछले 15-20 साल से यूज़ की जा रही है और बहुत लोग हैं जो इसे वेलनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपका जैसे जो आपके वेलनेस है, आपका ये स्ट्रेस लेवल कम करता है, आपकी स्किन ग्लोइंग में हेल्प करता है, कहीं कहीं एंटी एजिंग साबित हुआ है। ओवरऑल ये जो आपका एक जो मूड है, जो आज तक हम देखते हैं कि लोग थोड़े से स्ट्रेसफुल रहते हैं, थके हुए रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, ये उसको एलिवेट करने में भी काम करता है। ये जो पूरा चेम्बर है ये मुझे बहुत ही इंट्रीगिंग लग रहा है और थोड़ा सा ऐसे हम चीज़ें यूजली फिल्मों में देखते हैं, तो मुझे एक बहुत यहाँ पे एक सवाल, मेरा क्यूरियोसिटी थी कि क्या ये जितनी कॉम्प्लेक्स दिख रही मशीन है उसकी प्रोसेस भी उतनी कॉम्प्लेक्स है? ना इसकी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है ना इसके पीछे का साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमने ये जो साइंस है हमने रोज लाइफ में अपना देखा है, जैसे कि जो सोडा बॉटल एक होती है उसके अंदर जब हम हाई प्रेशर पर जो CO2 जो गैस है उसको जब स्टोर करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो छोटा हो जाता है, ज़्यादा गैस डिजोल्व हो जाती है। सेम प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है, जब हम ज़्यादा प्रेशर पर देते हैं तो जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी में डिजोल्व हो जाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में डिजोल्व हो जाते हैं, प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाते हैं और वो बॉडी के हर सेल्स तक पहुँच पाते हैं, इससे वो हीलिंग और ग्रोथ में काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत बीमारियों में ऐसा होता है कि ब्लड नहीं पहुंच पाता और जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन है, जो सेल्स की ग्रोथ के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सिर्फ हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचता है जो ब्लड में होता है। तो जहां ब्लड नहीं पहुंच पाता वहां ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता और वहाँ सेल्स की डेथ होना शुरू होती है। जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर जब हम हाई प्रेशर पर प्योर ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन जब देते हैं तब वो बॉडी फ्लूइड जो प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है और सेल्स को जहाँ पर हीमोग्लोबिन या ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उन्हें डिजीज में ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, सक्सेसफुल होती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल हमें बहुत बुरा लगता है, कुछ जो डायबिटिक फुट के या डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं जिन्हें या तो एक आधा पैर काटना पड़ता है, 2-4 उंगलियाँ काटनी पड़ती है, वो हमें देख के बहुत बुरा लगता है। तो उन पेशेंट्स के लिए जिनकी एम्प्यूटेशन तक नौबत आ गई है, जिनका घाव नहीं भर रहा है, जिन्हें आगे पीछे इनका हाथ या उंगली या पैर कुछ भी काटना पड़ेगा, उनके लिए एक मैं समझ भगवान का
वरदान जैसा मैं मानता हूँ उन लोगों को। हमने कई पेशेंट्स ऐसे करे हैं डायबिटिक फुट के या नॉन हीलिंग अल्सर के, जिनका घाव नहीं भर रहा था, जिनका या तो पैर कटने से बच गया, उंगली कटने से बच गई, तो ये उनके लिए एक वरदान जैसा है। क्योंकि वहाँ पर भी सेम है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, वहाँ सेल्स मरने लगते हैं, घाव कभी नहीं भरता और आगे पीछे वो सड़ने लगता है और डॉक्टर को फिर उसे मजबूरन काटना पड़ता है। उन पेशेंट्स, उन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए जिनका घाव नहीं भर रहा है, पैर में जो घाव है वो नहीं भर रहा है, वहाँ पर जब हम हाई प्रेशर पर ये ऑक्सीजन देते हैं, प्योर ऑक्सीजन देते हैं, तब घाव भरने लगता है और उन्हें एम्प्यूटेशन की या जो पैर काटने की बात करते हैं वो नौबत नहीं आती है उनके लिए। मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको चोट लग जाती है, उनकी इंजरी फील नहीं हो पाती है, कम्प्लीटली क्या बोलना चाहिए, रिकवर वो नहीं कर पाते, उनके लिए सबसे अच्छी बेस्ट ऑप्शन है थेरेपी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यहाँ से कई पेशेंट्स हैं जो एम्प्यूटेशन अपना बचाने के लिए दूसरे बड़े शहर गए हैं, बॉम्बे गए हैं, दिल्ली गए हैं, उन लोगों के साथ में उनका ध्यान रखने के लिए किसी को जाना पड़ता है, एक पराए शहर का एक खर्चा, एक वो सब रहते हैं। इसके लिए हम उसे इंदौर में अपने बार पहली बार अपने शहर में लेके आए हैं, तो जो उसकी जो कॉस्टिंग और जो अपना शहर में जो ट्रीटमेंट मिलता है उसके लिए अब ये टेक्निक लेने के लिए किसी बड़े शहर नहीं जाना पड़ेगा, वो सिर्फ यहीं करवा सकता है। ये बात तो डॉक्टर ने बिल्कुल सही कही, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ सबसे बड़ा बेनिफिट इंदौर में या सेंट्रल इंडिया में हम सभी को ये होने वाला है कि अभी तक हम सभी को अगर ऐसा कोई भी केस होता था जहाँ पे आपको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत होती थी तो उसके लिए कई अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, वहाँ खर्चा करना पड़ता था, रुकना रहना और फिर थेरेपी का, तो उसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो इंदौर के सहज हॉस्पिटल में हम सभी को मिलेगा। सर मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस को ये मशीन का एक थोड़ा सा टूर दे दें कि आखिर किस तरह काम करती है, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा है और जैसे कि आपने बताया सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद थेरेपी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी आपको शायद देखने के बाद और चीज़ समझ आएगा कि उतनी कॉम्प्लेक्स जितना सोच रहे उससे भी कम कॉम्प्लेक्स है। सो इसके अंदर हम पेशेंट को हम जैसा कि पेशेंट को हम स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे अंदर रख देते हैं, अंदर पेशेंट चले जाता है, एक बार पेशेंट अंदर चले जाता है तब हम ये गेट बंद करके इसे, एक बार पेशेंट अंदर जाने के बाद हम सील लॉक कर देते हैं, इसके बाद ये जो इसके ऊपर जो हमारा डॉक्टर यहाँ मौजूद रहता है वो उसे ऑक्सीजन से प्रेशराइज करता है मशीन को, और ये एक घंटे का समथिंग प्रोसीजर होता है। इसके अंदर पेशेंट आता है, हम उसे लेटाते हैं, एक प्रेशर पे मेंटेन करने का तो उसे प्योर ऑक्सीजन दी जाती है, ये 45 से 50 मिनट तक वो उस ऑक्सीजन को लेता है, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन अब्जॉर्ब और डिजॉल्व होता है, और उसके बाद हम उसे फिर प्रेशर कम करते रहते हैं, डीप्रेशराइज करते हैं, और एक घंटे के बाद हम पेशेंट को बाहर निकाल लेते हैं। सो ये जो मशीन है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हमने बाहर से इंपोर्ट करी है। इसमें पेशेंट की एंटरटेनमेंट से लेकर सेफ्टी तक का पूरा ध्यान रखा हुआ है। इसके अंदर पेशेंट का एक अंदर कैमरा लगा हुआ है जिससे पेशेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हमारा जो डॉक्टर बाहर बैठा है वो कर रहा होता है, ताकि अगर पेशेंट को कुछ भी होता है हम बता सके। साथ ही इसके अंदर एक इमरजेंसी बटन है, अगर पेशेंट को बाहर आने उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उसे दबा के आ सकता है। एंड साथ ही अगर हमें उसे इंटरकॉम के थ्रू भी अगर बात करनी है, उसे कुछ मैसेज हमें देना है, उसे हमें कुछ मैसेज देना है, उसके लिए इंटरकॉम की भी सुविधा देके हमने रखी है। साथ में जो एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि एक घंटे की प्रोसीजर है तो हमने एक टीवी लगा के रखा है जिसमें पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्मार्ट टीवी है जिससे उसे जो भी देखना है उसके लिए वो यूजफुल रहेगा। तो जैसा हम बहुत कभी सुना है या किसी ने कभी शायद एक्सपीरियंस करा, एक बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस है कि अचानक से दिखना बंद हो जाता है या सुनाई बंद हो जाता है, तो उस मौके पर अगर 48 आवर्स के अंदर अगर ये थेरेपी दी जाए तो उनकी दिखने की शक्ति और सुनने की शक्ति वापस आ सकती है। इट हैज टू बी डन इमीडिएटली, या विद इन 48 आवर्स हम कहते हैं, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जो सक्सेस की रेट है वो गिरने लग जाते हैं। 48 आवर्स के अंदर अगर करते हैं तो मैक्सिमम सक्सेस रेट है, उनकी मैक्सिमम विजन और हियरिंग वापस से आ सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अनप्लग करवाने के लिए। आई होप ऑडियंस
में जितने भी लोग हैं उन्हें इस पूरी थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा, और ऑडियंस में से जितने भी लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्होंने कभी कैंसर को बीट किया है, जिन्हें पोस्ट कोविड रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उन्हें कोई ऐसी इंजरी है जो ठीक से हील नहीं हो पा रही है, तो वो सहज हॉस्पिटल में आके डॉक्टर के कंसल्टेशन पर इस थेरेपी को करवा सकते हैं। आज के इन्फो अनप्लग में इतना ही, फिर मुलाकात होगी इन्फो अनप्लग के किसी नए एपिसोड के साथ, जहां फिर किसी नए मुद्दे से जुड़ी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को करेंगे अनप्लग। तब तक के लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए और फॉलो करते रहिए नाउ टॉक।